देश की जनता ये भटकाव राजनीति को नकार चुके हैं, तिरस्कार किए हैं। दिस इज अ ह्यूज हिस्टोरिक मैंडेट फॉर अ न्यू इंडिया। कांग्रेस पार्टी के और इंडिया अलायंस के एक इर्रेस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक विजन को भी रिजेक्ट कर देश को एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के रास्ते पे ले जाने का फैसला जनता ने लिया है। ऐतिहासिक जीत आज भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के होंगे। पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में एक बहुत बड़े माहौल है और पूरे देश एक तरफ वोट दे रहे हैं, और वो उत्तर भारत हो, दक्षिण भारत हो, ईशान्य भारत हो, पश्चिम भारत हो, विकसित भारत के एक विजन को अपनाकर वोट दे रहे हैं। इंडी अलायंस आप जब देखते हैं वो जाति के आधार पर, प्रदेश के आधार पर, देश के अलग अलग विभिन्नता को भटकाने का आधार पर प्रयास किए थे कैंपेन के दौरान, पर देश की जनता ये भटकाव राजनीति को नकार चुके हैं, तिरस्कार किए हैं, और मोदी जी के भारत को एकजुट करने वाले, भारत को अक्षुण रखने वाले, भारत को आने वाले 25 साल में और सुदृढ़ और समर्थ बनने वाले राजनीति को समर्थन दिए हैं। दिस इज अ ह्यूज हिस्टोरिक मैंडेट फॉर अ न्यू इंडिया। लग रहा है कहीं पे जो नंबर्स आंकड़े एग्जिट पोल में दिखाए गए थे बीजेपी के लिए वो फायदेमंद हो रहे हैं शायद? बिल्कुल, एग्जिट पोल्स के जो नतीजे थे देश की जो मूड को वो सही तरीके से वो कैप्चर किए हैं। मैं एग्जिट पोल के सभी एजेंसीज को, मीडिया के सभी एजेंसीज को मैं बधाई देता हूं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि देश की जनता कांग्रेस पार्टी के और इंडिया अलायंस के एक इर्रेस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक विजन को भी रिजेक्ट कर देश को एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के रास्ते पे ले जाने का फैसला जनता ने लिया है। ये बहुत बड़ी चीज है। कांग्रेस ने और इंडी अलायंस ने सब कुछ फ्री में देने की बात किए थे, इसके बावजूद भी जनता ये समझ चुके हैं कि ऐसा सरकार नहीं चला सकते, देश बर्बाद हो जाएंगे। सो जनता ने कांग्रेस के ये इरेस्पॉन्सिबल आर्थिक नीति को तिरस्कार कर भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के एक लॉन्ग टर्म रेस्पॉन्सिबल इकोनॉमिक विजन को अपना दिए हैं, स्वीकारता दिए हैं। मैं जनता को आभार व्यक्त करता हूं और ऐतिहासिक जीत आज भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के होंगे। आपके जो स्टेट है कर्नाटक में, यहां पे भी ट्रेंड देखते हुए ये लग रहा है कि कहीं बीजेपी को अच्छे नंबर्स आ रहे हैं बावजूद यहां पे सरकार कांग्रेस की है। बिल्कुल जी, मैंने आपके साथ भी दो तीन बार जब बात में किया था मैं हमेशा आपको बोलता था कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटिंग स्टेट होंगे इस चुनाव में, और एग्जिट पोल्स और आज के ट्रेंड्स जब हम देखते हैं ये सच हो रहा है। एक साल से कर्नाटका में कांग्रेस सरकार है, एक साल के अंदर अंदर ही सरकार के आर्थिक नीति हो, सरकार के काम हो, सरकार के भ्रष्टाचार हो, ये सब देखकर जनता ने एक साल के अंदर अंदर ही इतना बड़ा एंटी इनकम्बेंसी यहां पैदा हो चुका है, इसको भी जनता तिरस्कार किया है। कर्नाटका में भी बहुत बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी। क्यों सर, यहां पे आपके सरकार के लिए हमने बहुत सारे लोगों को फायदेमंद स्कीम्स दिए हैं, उनको उनसे स्पेशली महिला हमें वोट करेगी। अगर ये सब हुआ होता तो कांग्रेस की हालत कर्नाटका में आज की जैसे नहीं होता। जनता सब देखती है, जनता सब जानती है, और जनता आजकल लॉन्ग टर्म सोच करने का एक बहुत बड़ा फैसला जनता ने लिया, एक कल्चर बन चुका है जी देश में।